तो नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ नासिक ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर। ये नासिक स्टेशन से महज 40 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर आपको बहुत ही प्रकृति का ज़बरदस्त नज़ारा है। फर्स्ट टाइम यहाँ मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। 900 सीढ़ी हमें यहाँ से चढ़नी है, तो हमने यहाँ पर टिकट, ये देखिए टिकट ले लिया है, पर हेड 30 रुपये और बंदरों के लिए ये एक काठी हमने ले ली है। तो चलिए चलते हैं, 900 सीढ़ियाँ देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर चढ़ने में हमें लगता है। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, आइए तो लेके चलते हैं। आज फर्स्ट टाइम नासिक ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँचे हैं और यहाँ पर थोड़ी बंदरों का उत्पात ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमें काठी दे दी है। तो चलिए कितना टाइम लगता है ये देखिए, वो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो चलिए नदी नाले तो चलते रहेंगे और ब्रह्मगिरी पर्वत की कुछ खास बातें आपको वहाँ चलकर बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने बिबट्या का यानी कि पैंथर का बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ ये रहते हैं। देखिए कितना बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है ब्रह्मगिरी पर्वत का, ये देखिए ज़बरदस्त। और ऐसी सीढ़ी हमें 900 सीढ़ी चढ़ना है, तो ये यहाँ पर पब्लिक भी बहुत जारी ही है। तो चलिए, और यहाँ पर बंदरों का भी बहुत ज़्यादा कहर रहता है। तो ऐसे देखिए बहुत ही झरने चल रहे हैं हमारे पीछे, ये देखिए पीछे झरने हैं। तो चलिए कंटिन्यू, काठी ये दुकान, ये बाबा बेच रहे हैं सिंगदाने फूटाने, काठी भी हैं। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहें ब्रह्मगिरी पर्वत। तो भाई साहब, ब्रह्मगिरी पर्वत की रोचक जानकारी आप बने रहें वीडियो में, और मैं आपको ऊपर पर्वत पर चढ़ने के बाद वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कुछ रोचक जानकारी है, यहाँ क्या हुआ, कब कैसे हुआ, त्रेता युग द्वापर युग, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। और देखिए इस प्रकार से यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा है ज़बरदस्त। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो ये देखिए, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर इतने जानवर मौजूद हैं। ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर है बिबट्या, तरस, सस्सा, कोहला, मुंगूस और नाग, घोणस, मार्निन और खाराताई मोर मतलब गिलहाड़ी, कोहला मतलब कोहला ही होगा, अभी मैं भी भूल गया हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये है ब्रह्मगिरी पर्वत का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं, हमने काठी वाठी सब हाथ में लेके रखी है भैया, अभी आगे होगा हमारा बंदरों से सामना। और बंदरों से सामना के पहले ही हम इसको कैमरा को रख देंगे बैग के अंदर। तो चलिए गाइस, यहाँ से हो गई है अभी ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ाई शुरू। तो देखिए पब्लिक चढ़ रही है और इधर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ज़बरदस्त ऊंचाई, और यहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत का नज़ारा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पर्वत पर चढ़ना है ऊपर, यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत पर, ये देखिए अभी पब्लिक भी चढ़ रही है और हमें चढ़ना है ये पहाड़ के ऊपर, रेलिंग लगी हुई है बाजू में इधर से, और झरने भी चालू हैं। तो ऐसा प्रकृति का खूबसूरत सा दृश्य आप देखिए, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए झरने, ये देखिए ऐसे झरने, और ये यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। इधर बहुत सारे आगे बंदर हैं, तो कैमरा ज़्यादा दूर तक नहीं रखेंगे चालू। ये देखिए झरने, वहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है और इसको ऊपर अपने को
चढ़ना है। देखिए ये पर्वत के ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत, ये त्र्यंबकेश्वर गांव यहाँ से ऐसा दिख रहा है, और ये यहाँ का एक झरना है, ऐसे बहुत सारे झरने हैं, और ये सामने वो चढ़ाई पे चढ़ना है। इधर पब्लिक भी यहाँ पर आ रही है, तो चलिए खाएं बंदर। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ब्रह्मगिरी परिसर हाँ राखी क्षेत्र येता स्थान ने यहाँ परिसर धूम्रपान नहीं करे छे, मतलब ये क्षेत्र में आपको धूम्रपान नहीं करना है। और ट्रैकिंग जबरदस्त, जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ के, ये देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा, ये देखिए। तो यहाँ पर बंदर भी आ चुके भैया, अभी कैमरा रख लेते हैं। कैमरे सामान को खींचके लेके जाता है। हाँ वो बंदर आ गए देखो उधर, और यहाँ अपने को चढ़ना है ये पहाड़ के ऊपर। देखिए क्या नज़ारा है खूबसूरत, और ये पब्लिक आ रही है। तो भैया ऊपर है बंदर, अभी रख लेते कैमरे को भाई 30-40। तो ये देखिए बहुत ही कठिन, उसमें देखिए ऐसे हाँ आना पड़ता है। ये देखिए ज़बरदस्त, बंदरों की वजह से कैमरा नहीं निकाला था। अभी देखिए यहाँ पर ऐसे है, ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे चढ़ना पड़ता है। ये देखिए बहुत ही कठिन रास्ता, देखिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहुत ही डेंजर पोजीशन है, चढ़ने में दम भर जाता है यार। देखिए कितनी पब्लिक आ रही है, ये देखिए बहुत पब्लिक आ रही है। चलो तो चलते हैं यहाँ से, वीडियो भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है वीडियो, कठिन रास्तों से। ये देखिए सीढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी है, एकदम स्टेड सीढ़ी सीढ़ी है, एकदम भारी, एकदम ज़बरदस्त स्टेड। देखिए देखिए बंदरों को बहुत तगड़ा कह रहा है भाई। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, पूरा ऐसा नज़ारा है। और इसके थोड़ी सी मेरे का कोहरा जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए यह है ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर का नज़ारा, और बरसात हो गई है चालू। हमने ये सफ़र 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, ऊपर आ गए हैं 2 घंटे में 900 के करीब सीढ़ी चढ़कर, और पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है चारों तरफ, देखिए मेरे यहाँ ऐसा, और बरसात भी आ रही है। तो हम चलते हैं अभी ये झोपड़ी के अंदर, पहले भागो 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 भागो। भाई साहब ब्रह्मगिरी पर्वत पर आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गाय, ये 2 छोटे छोटे बच्चे गाय के ऊपर 4000 फीट पर नीचे से लाए गए थे, अभी ये 2 की संख्या करीबन 25 से 30 है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और आगे ब्रह्मगिरी पर्वत की जानकारी मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। चलिए तो भाई साहब अब ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का ज़बरदस्त नज़ारा। तो इधर जाता हूँ मैं, ये देखिए अरे देख ऐसा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ज़बरदस्त एकदम बहुत ही बढ़िया।
और विजुअलिटी एकदम बिल्कुल कम है। ये देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा जैसे एकदम दिखाई दे रहा है। कैमरा को इधर कर। हाँ चल। तो देखिए अभी ये ब्रह्मगिरी पर्वत है और यहाँ की पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। पहले जो मेन पॉइंट वो आपको मैं दिखा देता हूँ, और वो नीचे जितने भी पब्लिक दिख रही है वो जा रहे हैं वहाँ पर, और हमको जाना है ये रास्ते से, इधर से। ये देखिए ये रास्ते से जाएंगे वहाँ पर, और जहाँ पर गोदावरी का उद्गम है उधर जाना है। नीचे एक मंदिर है, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे जहाँ शंकर भगवान ने जटा से गोदावरी को प्रकट किया था। उसके बाद में फिर आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे। चलिए बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। हाँ तो भाई साहब फाइनली ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़कर जैसे ही आप आते हो तो 4000 फीट के करीब है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है ब्रह्मगिरी मंदिर। यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी मंदिर है, और ये साइड में जब आप जाओगे तो जहाँ शंकर भगवान ने जटा से गोदावरी को प्रकट किया था, तब ये वो साइड में मंदिर है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, आइए आ जाओ। हाँ तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये ब्रह्मगिरी का मंदिर है, और यहाँ पर 4000 फीट ऊपर जब आप आते हो तब ये मंदिर यहाँ ऐसा आपको देखता है। चलिए आ जाइए। आ जाओ। ब्रह्मकेश्वर में ब्रह्मगिरी मंदिर के कुछ अद्भुत नज़ारे, और ये ब्रह्मगिरी मंदिर इस पहाड़ का पहला पुराना स्थान, ये एक मंदिर है यहाँ के पहाड़ का पहला स्थान, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का झरना बह रहा है। देखिए कितना प्यारा है नज़ारा, और ये झरने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नज़ारा। चलिए तो अभी वो साइड में जहाँ से शंकर भगवान ने जटा पे थे वहाँ चलते हैं। चलिए बस ये देखिए ये लिखा है जटा मंदिर कड़े जाना रे पायपट मार्क। तो चलिए अभी यहाँ की आपको जानकारी वहाँ चल के देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था और कैसे यहाँ इतनी मान्यता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर आपको चढ़ने के लिए कम से कम 4000 फीट ऊपर आना पड़ता है, और विजुअल भी आप देख रहे हो कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, आइए आगे। ये देखिए भैया धुंध और 4000 फीट ऊपर का नज़ारा। इधर करो कैमरामैन, कैमरा मेरी तरफ, हमारा कैमरामैन नया है, छतरी वाला पीछे छतरी लेके खड़ा है, कैमरा भीज ना जाए। ये देखिए भाई साहब बहुत ही तगड़ा नज़ारा, यहाँ कुछ ही दिख रहा नहीं भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा। 4000 पारी चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और बरसात कंटिन्यू चालू है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। ट्रैकिंग में आज बहुत इंजॉय किया। तो चलिए जहाँ पर शंकर भगवान ने जटाएँ अपती थी वहाँ से गोदावरी को उद्गम हुआ था वहाँ, और एक बार आपको लेके चलते चलो। तो भाई साहब फाइनली हम पहुँच चुके हैं जटा मंदिर पर, और यहीं पर शंकर भगवान ने अपनी जटा अपुत के गोदावरी को प्रकट किया था यही मंदिर के अंदर से। और ब्रह्मगिरी पर्वत की आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने 12 साल यहीं पर तपस्या की थी, और वो ब्रह्मगिरी मंदिर था, और ये जटायु मंदिर है ये ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर की, कि ये पर्वत पर गौतम ऋषि ने 12 साल तपस्या की थी। और ये सामने जो मंदिर आप जो दिख रहा है ये मंदिर पर यही जो ये मंदिर बना है यही जगह पे शंकर भगवान ने अपनी जटा अपट के गोदावरी को प्रकट किया था, और वो साइड में हमने जब आपको दिखाया था तो वो ब्रह्मगिरी मंदिर था। तो ये यहाँ ब्रह्मगिरी मंदिर की बहुत कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर पहुँचना पड़ता है, बहुत कठिन रास्ते हैं, और बीच में बंदर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, पर पूरे रास्ते में हमने फुल एंजॉय किया ट्रैकिंग को, ज़बरदस्त ट्रैकिंग रहा हमारा। मेरे साथ में हैं 2-3 बंदे, और भाई साहब ये एक बंदा तो ये आ गया देखो,
इसने यहाँ पर पकड़ लिया है एक खेकड़ा, छोटा सा खेकड़ा। तो अगर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो रफीक खान ब्लॉग को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई साहब, और ऐसे ही वीडियो आपको हर टाइम देखने को मिलते रहेंगे। विजुअलिटी यहाँ बहुत कम है क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रहा है। ये देखिए चारों तरफ वहाँ भी पब्लिक जा रही है, ये देखिए ऐसा यहाँ का बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा नज़ारा है। और ये छोटे से बच्चे यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो अगर वीडियो तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो करते हैं एंड।